बंदर और मगरमच। एक बार एक सुंदर झील के किनारे एक जामुन का पेड़ था। एक बंदर उस पेड़ पर रहता था, जो कि पके जामुनों से भरा हुआ था। वह अपना सारा समय कूदने और अलग अलग पेड़ों के फल चखने में बिताता था। झील में एक मगरमच रहता था। दोनों पक्के मित्र थे। हर रोज बंदर मगरमच को पके जामुन देता और वह इसे मजे से खाता। वह बहुत से जामुन खाता और कुछ अपनी पत्नी के लिए ले जाता और वह भी जामुन बड़े मजे से खाती। हर रोज वह मीठे जामुनों के लिए मगरमच का इंतजार करती। एक दिन उसकी पत्नी ने सोचा, बंदर हर रोज मीठे जामुन खाता है, इसलिए उसका दिल भी इतना ही मीठा होगा। मेरा तो उसका दिल खाने की तमन्ना है। इसलिए उसने मगरमच से कहा, मैं बंदर का दिल खाना चाहती हूँ। मगरमच ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? बंदर मेरा मित्र है, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? उसकी पत्नी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारा मित्र तुम्हें मुझसे अधिक प्रिय है। मगरमच्छ ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें खुद से ज्यादा चाहता हूँ। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। उसने कहा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी जब तक तुम मेरे लिए बंदर का दिल नहीं लाओगे। मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी और पीऊंगी जब तक मुझे बंदर का दिल नहीं मिलेगा। मगरमच्छ उसे नहीं समझा सका। उसने सोचा, मुझे बंदर का दिल लाना ही होगा। वह बंदर की तरफ तैरने लगा और उदास चेहरे से पेड़ के नीचे उसकी इंतजार करने लगा। बंदर ने जामुन तोड़े और मगरमच्छ की तरफ फेंक दिए। उसने कहा, तुम आज देर से क्यों आए हो? मगरमच्छ ने कोई उत्तर नहीं दिया और जामुनों की तरफ देखा भी नहीं। बंदर ने पूछा, क्या समस्या है? तुम उदास क्यों हो? मगरमच्छ ने कहा, मेरी बीवी का आज मुझसे झगड़ा हो गया। तुम हमेशा मुझे जामुन देते हो, इसलिए वे ये जानना चाहती है कि मैंने तुम्हें कभी दोपहर के खाने पर क्यों नहीं आमंत्रित किया। उसने धमकी दी है कि वह तब तक कुछ भी नहीं खाएगी और पिएगी जब तक कि मैं तुम्हें दोपहर के खाने पर आमंत्रित नहीं करूंगा। बंदर ने कहा, मेरे लिए तुम्हारे घर में आना संभव नहीं है। तुम पानी में रहते हो और मैं धरती पर। मगरमच्छ ने कहा, झील के मध्य में एक टापू है, हम वहां रहते हैं। अगर तुम मुझ पर सवार हो जाओ तो मैं जल्दी से टापू की तरफ तैर कर तुम्हें ले जाऊंगा। बंदर ये सुनकर खुश हो गया। उसने सोचा, चलो मुझे मगरमच्छ की सवारी का मजा लेने दो। बंदर ने कहा, ये ठीक है, चलो अभी चलते हैं। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और मगरमच्छ तेजी से तैरने लगा। रास्ते के मध्य में मगरमच्छ ने सोचा, अब मुझे बंदर को सच बता ही देना चाहिए। मगरमच्छ ने कहा, तुम भगवान को अंतिम बार याद कर सकते हो। बंदर उदास हो गया। उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मगरमच्छ ने उत्तर दिया, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें उसके पास लेकर जा रहा हूँ। बंदर डर गया और वह मगरमच्छ से बचकर कूदना चाहता था, लेकिन वह कहाँ जा सकता था? चारों तरफ पानी ही पानी था और उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। लेकिन जल्दी ही उसे एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुमने ऐसा पहले क्यों नहीं बताया? मगरमच्छ ने पूछा, क्यों? मगर बंदर ने कहा, मैंने अपना दिल पेड़ पर छुपा रखा है। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं उसे साथ लेकर आता। मैं अब दिल के बिना क्या करूं? मगरमच्छ मान गया।
और वह पेड़ की तरफ तेजी से तैरने लगा। बंदर उदास था और जैसे ही वह किनारे पर पहुंचा, बंदर कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। वह खुशी खुशी शाखा पर बैठ गया। मगरमच्छ ने कहा, क्या तुम्हें तुम्हारा दिल मिल गया? जल्दी आओ, हमें देर हो रही है। बंदर ने कहा, अरे मूर्ख, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि दिल शरीर के अंदर होता है? बंदर ने जामुन खाना शुरू किया और उसके बीज मगरमच्छ पर फेंकने लगा।